बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बतूल फूड डायरीज। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल सीरीज़ की रेसिपी, सेकंड रेसिपी आज की मेरी चिकन वॉन्टॉन्स की रेसिपी, बहुत डिमांडेड रेसिपी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिल्कुल शॉर्टकट सी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देखें, हमारे पास एक पाव जितना चिकन का कीमा है, ठीक है, सिंपल। बस मैंने इसका वॉश करके रख दिया। और ये एक चौथाई कप जितनी हमारे पास हरी प्याज है, और अगर आप टेबल स्पून में लेते हैं तो आप 2 से 3 टेबल स्पून ले सकते हैं, ठीक है, चॉप की हुई है। और ये 1 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस है, 3 बड़ी वाली हरी मिर्च है, इस तरीके से मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है, ठीक है। और ये देखिए सारे मसाले हाफ हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट है, हाफ टी स्पून ऑफ चिकन वाइट पेपर पाउडर है यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ऑफ चिकन पाउडर है, और हाफ टी स्पून हमारे पास गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप बिल्कुल गार्लिक का जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। मेरे पास था तो मैंने ऐड कर दिया। अब बस सिंपल हमने एक चॉपर लेना है, और उसके अंदर हमने देखिए अपनी चिकन ऐड कर दी, हरी प्याज ऐड कर दी, और ये जितने भी मसाले हैं बस हमने सबको एक साथ ऐड करना है। और हमने इसको अच्छे से चॉपर को चला के ना हमने इसको बारीक सा फाइन सा इसका पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल सबको हम अच्छे से चॉपराइज कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, और ये मेक एंड फ्रीज वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनते हैं। आप घर में बनाएं बिल्कुल हाइजीनिकली साफ़ सुथरे तरीके से बन के तैयार होते हैं, जब आप बनाएंगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि कितने मज़े के बनते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर हमारा सिंपल से चॉपर में देखें अच्छे से ग्राइंड हो गया सारा मसाला इसका, देखें बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसको फाइन सा चॉप कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको साइड पर रख देते हैं, और अब हम देखें हम इसकी शेपिंग की तरफ आते हैं। देखिए मैंने एक सिंपल रोल की पट्टी ले ली है स्क्वायर शेप में, और इसको मैंने देखें इस तरीके से हमने इसके 4 पीसेस कट कर लेंगे, ठीक है, इक्वल साइज़ में। इस तरीके से हमने इसको 4 स्क्वायर साइज़ के हमने इसकी पट्टियाँ कट कर लेनी है, ठीक है। तो अब देखिए अभी एक पट्टी में हमारे 4 वॉन्टॉन बनकर रेडी हो जाएंगे। अब हमने सिंपल बस देखे मैंने 1 टीस्पून जितना हमने इसके अंदर मसाला स्टफ़ किया, जो हमने चिकन का स्टफ़ रेडी किया हमने वो इसके अंदर किया। और अब हमने देखे इस तरीके से हमने एल शेप में इसको सैंडविच की शेप में हमने इसका लई लगा दी, ठीक है, सिंपल आप भी इसी तरीके से लगा लीजिएगा हाथ से ब्रश की मदद से, जैसे आपको इजी लगे जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे लगा लीजिएगा। अब देखिए अब हम इसका ना इस तरीके से पहले हम इसको सैंडविच की शक्ल दे देंगे, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस करेंगे टाइटली कि कहीं से भी आपकी जो ये स्टफिंग है ना ये बाहर ना निकलने पर, और आपका टाइटली ये सील होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अभी इस तरीके से सैंडविच हमारा बनकर रेडी हो गया। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, पहले मैं दोनों का कर लूँगी। इसी तरीके से आपने दोनों इसी तरीके से आपने सारे के सारे बना लेने हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये बन गया ना। अब देखिए मैंने इसको सेंटर में इस तरीके से हल्का सा पिंच डाउन किया, और फिर मैंने इसको देखिए इस तरीके से आपने बस यहाँ पर साइड पे ये लई लगा लेनी है। और फिर ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बोर्ड शेप बन गया, बिल्कुल आपने इसको थोड़ा सा टाइटली करना है ताकि अच्छे से आपका सील हो और आपका वॉन्टॉन जो है बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार बनकर रेडी हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा वॉन्टॉन रेडी हो गया, कितना ईजी और कितना सिंपल था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस रेसिपी में आपके अच्छे खासे वॉन्टॉन बन जाते हैं जो कि आपको रमज़ान के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप अभी से इसको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी इस तरीके से देखें हमने सारे इसी तरीके से बना लेने, बोट शेप के वॉन्टॉन हमारे बनके रेडी हो गए। और अब आप इसको इस स्टेज पर आप इसको बिल्कुल फ्रीज़ भी कर सकते हैं बटर पेपर लगा कर, या वैसे जैसे ही आपको रखना हो। देखें ये हमारे इस तरीके से सारे के सारे वॉन्टॉन हमने रेडी कर लिए। अब देखिए अब हमारा ना इसके अंदर कच्चा कीमा है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक दिखा रही हूँ फिर से, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हमारे मज़ेदार से वॉन्टॉन रेडी हो गए। अब आप इसको बिल्कुल आप एयर टाइट डब्बे में भर के आप इसको बिल्कुल फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करके बताती हूँ। अब देखें यहाँ पर मैंने अपना तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब जैसे ही मेरा तेल गरम हो गया था अब हम इसको बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई, क्योंकि इसके अंदर कच्चा कीमा है तो आपने इसको इसी के अंदर कुक करना है तो कुक हो जाता है, कोई इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि छोटा सा। तो आपने देखा कितनी कम क्वान्टिटी में इसके अंदर कीमा गया है, तो इतनी क्वान्टिटी के अंदर आराम से फ्राई हो जाता है। कोई ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि पकेगा नहीं नहीं कच्चा, लेकिन इसका फ्लेवर इसी से ही आता है। जो आप शादियों में खाते हैं, जो आप ऑथेंटिकली जो बाहर के वॉन्टॉन्स होते हैं वो सेम इसी तरीके से बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बिल्कुल कम बजट में और साफ़ सुथरे तरीके से आपके बन जाते हैं। तो अब देखें यहाँ पर मैंने इसको मैक्सिमम 7 से 8 मिनट तक इसको मैंने फ्राई किया था स्लो टू मीडियम पर। तो अब देखें यहाँ पर हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी वॉन्टॉन बिल्कुल रेडी हो गए। इसी तरीके से आपने सारे के सारे फ्राई कर लेने। और अब देखिए मैंने इसको सिंपल टोमेटो केचप के साथ देखिए मैंने इसको इस तरीके से सर्व कर दिया। देखिए कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, रमज़ान स्पेशल रेसिपी को, बहुत डिमांड आ रही थी इस रेसिपी की, तो मैंने सोचा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो ऑन टाइम मिलती रहे। और आप इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिल्कुल चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको इजीली इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे इसके, ठीक है। और आप मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।